राजसमंद के कुवारिया में दो दिन पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर सोमवार को सियासत गर्मा गई और इसका विरोध आज गोंदिया में भी देखने को मिला। कई राजपूत संगठनों ने इसका विरोध किया। सोमवार को तो शहर के पुराना बस स्टैंड पर आयोजित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा के दौरान जय राजपूत संगठन के कुछ युवाओं ने कटारिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंगलवार को गोगुंदा स्थित महाराणा प्रताप चौराहा बाईपास पर गुलाब चंद्र कटारिया का पुतला फूका। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए अपशब्दों का प्रयोग के खिलाफ आज गोगुंदा महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति की ओर से गुलाब चंद कटारिया का पुतला फूका गया। आज गोगुंदा राज तिलक स्थली पर महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति के सदस्यों और आमजन द्वारा कटारिया का विरोध किया, नारेबाजी की। इस दौरान महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया के मन की भावना बाहर आई है, ऐसे शब्द इनकी सोच बयान करते हैं। ये लोग महाराणा प्रताप के नाम पर झूठा दिखावा कर रहे हैं और बार बार महाराणा प्रताप को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उदयपुर नगर निगम पार्षद गौरव, पूर्व सरपंच करण सिंह झाला, पूर्व सरपंच प्रहलाद सिंह झाला, गोगुंदा उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, हरी सिंह झाला, रामेश्वर चौधरी, नाथूलाल मेघवाल, योगेश तेली, अभय सिंह झाला, फतेह सिंह झाला, दिनेश कुमार, सुरेश लोहार और भगवती लाल गायरी सहित कई लोग मौजूद थे। आप भी सुने अभिमन्यु सिंह झाला ने क्या कहा। कटारिया जी का पुतला जलाया गया है, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नेता बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, सब मेवाड़ के नाम पर करते हैं, मगर जब महाराणा प्रताप की आन बान शान की बात आती है तो कोई भी मेवाड़ का आदमी इस तरीके की बात सहन नहीं करेगा। जिस तरीके से गोगुंदा में उन्होंने सम्मान की, बहुत सम्मान सत्कार यहाँ पे कराया हुआ है, बट आज उनको चेतावनी देना चाहते हैं, जिस तरीके से जो उन्होंने हरकत करी है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी वल्लभ नगर में महाराणा प्रताप का अपमान किया, उनकी भेंट जो है वो चरणों में रखी गई और फिर से ये इन्हीं के कूटनीति इनकी नज़र आ रही है। कथनी करनी में इनका फर्क है, हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है और इनका इलाज आज से बस शुरुआत हो चुकी है, इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत। तेरी गुंडागर्दी, महाराणा प्रताप के नाम पे दुकान चलाने का काम करते हैं और राजसमंद में जो इनकी जो मन की भावना है वो इनकी मन की भावना जबान पे निकल गई, क्योंकि मेवाड़ जो महाराणा प्रताप के नाम पे झूठी बातें करते हैं, तो आज महाराणा प्रताप ने सच्ची उनसे बात लिखवा दी कि उनके मन में महाराणा प्रताप को ये भावना, और राजसमंद का चुनाव निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस तरीके की नेता और इस तरीके की जवान हमारे पार्टी के लोगों में नहीं है। और राजसमंद की जनता समझदार है, आने वाले टाइम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के काम ये करेंगे, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप के नाम से राजनीति करना चाहते हो तो उनका तिरस्कार अपमान ही मेवाड़ नहीं चलेगा।